नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत के निर्माता एवं लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रह चुके हैं। इन्हीं की वजह से कई रियासतों और राज्यों में विभाजित भारत आज हमें एक देखने को मिलता है। साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उस समय भारत छोटे छोटे 562 देसी रियासतों में बट गया था, जिन्हें विलय करना आसान नहीं था। सरदार पटेल के लिए ये चुनौती थी। उन्होंने अपनी बुद्धि व अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधा। सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। वे अपने पिता झवेर भाई पटेल और माता लाडबाई की चौथी संतान थे। उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की थी और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में दिखा था। उन्होंने 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया था। सरदार पटेल स्पष्ट व निर्भीक व्यक्ति थे। वहीं यदि वो कभी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से असहमत होते थे तो वह उसे साफ कह देते थे। वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें 3 साल की कैद भी हुई। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। सन 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्घाटन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर एक कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर किया था, जिसे नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी आयोजित किया जाता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, इसलिए एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात में नर्मदा नदी के पास उनकी एक विशाल प्रतिमा का भी निर्माण कराया है। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसके तहत रन फॉर यूनिटी जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिससे देशवासियों में एकता की भावना बनाए रखा जा सकता है। इस दिन कई स्कूलों कॉलेजों में प्रतियोगिता, पेंटिंग, वाद विवाद जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।